अरमान ने भरी अभीरा की मांग। जी हाँ, उससे पहले अभीरा ने किया है पूरे घर में आज तांडव। दरअसल आप सभी को बता दे कि अभीरा ने इस घर से निकल जाने के लिए दादी के एनजीओ वाली औरतों के सामने शराब पीकर इतना तमाशा किया कि खुद दादी ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब अभीरा के जाने के बाद रूही को पता चला है कि अभीरा ने ये सब यहाँ इस परिवार को बचाने के लिए किया है। अभीरा इस घर से जाते जाते पुरानी यादों को याद करेंगी, तो वहीं युवराज अभीरा का इंतजार कर रहा होगा और अभीरा जब पहुंचेंगी तो युवराज काफी खुश होगा। लेकिन दूसरी तरफ रूही यहां पर कश्मकश में दिखाई देंगी कि वो यहां पर अरमान को सच बताए या ना बताए, क्योंकि ऑलरेडी अभीरा के बिहेवियर से दादी साहब बहुत ज्यादा नाराज हैं। लेकिन अरमान को यकीन नहीं आ रहा कि दादी साहब के साथ ऐसे भी बदतमीजी अभीरा कर सकती है। जरूर कोई ना कोई बात होगी। और ऐसे में अब यहाँ पर फाइनली रूही सच्चाई बता देने वाली है, और रूही जैसे ही सच्चाई बताएंगी वैसे ही आप सभी देखेंगे कि अरमान कैसे अभीरा के पास पहुंच जाएंगे कूदकर उन्हें बचाने के लिए, जहां पर अब वो उनकी मांग में सिंदूर भी भरते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, अरमान और युवराज के बीच बड़ी यहाँ पर फाइटिंग होने वाली है, और युवराज जो कि अभीरा के आने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन रूही के बताए जाने पर सच अरमान यहाँ पर अभीरा को युवराज से बचा लेंगे। और यहाँ पर अभीरा जो सोच रही है कि उसे यहाँ पर जो है इसके साथ शादी नहीं करनी, इसे जेल भिजवाना है, अब अरमान अभीरा को बचाकर उसे जेल भेज देगा।